देश की बात करेगा, वही देश में राज करेगा, हिंदू देश की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। देखिए महुआ वासी तो पहले से अनोखे हैं, तो अनोखा प्रचार भी करेंगे। पीछे बुलडोजर में आप देख रहे हैं, बुलडोजर चला तूफानी चाल, माँ पिया हुए बेहाल। तो ये योगी जी एक संदेश जो पहले भी दे रहे थे आज भी दे रहे हैं कि जितने भूमाफिया, जितने गुंडे, जितने अराजक तत्व हैं वो सभी सावधान हो जाएं। ये ना सोचे कि सरकार बदलेगी, सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की आएगी और जो अराजक तत्व हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा। बुलडोजर का काम जेसीबी का काम है गंदगी उठाना, गंदगी उठाकर पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश से बाहर फेंकेगी, ये बिल्कुल तय है, 500% तय है। इसलिए आज ये बुलडोजर को सजा कर हम एक अनोखा संदेश पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को महोबा के माध्यम से देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और उसको विजयी बनाएं। भगवाधारी संत उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद में 5 साल सुशोभित रहा है। 5 साल जिन्होंने 50 साल से गुंडागर्दी करके माफियाओं ने बिल्डिंगें बनाई थी और गुंडागर्दी कर रहे थे, उनको इसी बुलडोजर में मुख्यमंत्री के आदेश पर गिराया गया था। आज सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करके यह संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, किसी तरह से माफियाओं के मकान गिराना है, इसी तरह से गुंडागर्दियों वालों को ध्वस्त कराना है तो यह बुलडोजर चलती रहना चाहिए और इस पर एक संत विराजमान रहना चाहिए। यह संदेश देते हुए आज प्रदर्शन कर रहे हैं। संकल्प है कि जिस तरह से योगी जी ने गुंडागर्दी, गुंडा माफिया, अतीक आजम खान जैसे लोगों के ध्वस्त किए हैं बिल्डिंगे और जिस तरह से गुंडागर्दियों के लिए बुलडोजर चलाई है, उसी तरह यह सतत बुलडोजर चलती रहे, यह हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के जो शासनकाल में आपने देखा होगा कि कानून व्यवस्था किस तरह की रही है। आम जनमानस, आम उत्तर प्रदेश का नागरिक बिल्कुल शांति से जीने में महसूस करता है। उसका विश्वास है कि अगर योगी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनती है तो वह अपना सुखमय और शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकता है। जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में जो गुंडे थे, माफिया थे, जिन्होंने आम आदमी को परेशान किया था, आम आदमी की ज़मीनों में कब्जे किए थे, उत्पीड़न किया था, वसूली की थी, अपहरण में और हत्या में जो लोग वंचित थे, ऐसे लोगों की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। और हमारा इस यात्रा के माध्यम से यही संदेश है कि योगी जी के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज्य जो है स्थापित होगा और गुंडे माफिया इनकी जगह या तो जेल में होगी या इनके घर और मकान, इनकी संपत्ति बुलडोजर से ध्वस्त कर दी जाएगी।